आवाज बंद करो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 15 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 1515 आगे आ जाओ संचिता आगे आ जाओ। ये तीन सीट्स खाली पड़ी है, जामा जी बैठ जाओ। और एक स्टूडेंट कोई भी आगे आ सकता है, आना है ठीक है ना, इधर बैठा था कोई भी एक स्टूडेंट प्लीज गोविंद आगे आ जाओ। प्लीज साइलेंस अमन, आगे देखो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करो। और क्वेश्चन नंबर 15 है, अ क्यूबिकल आइस बॉक्स ऑफ 30 सेंटीमीटर साइड हैज अ थिकनेस ऑफ 5 सेंटीमीटर, इफ 4 केजी ऑफ आइस इज पुट इनटू द बॉक्स, एस्टीमेट द अमाउंट ऑफ आइस रिमेनिंग आफ्टर 6 आवर्स, आउटसाइड टेम्परेचर इज 45 डिग्री सेल्सियस एंड कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज गिवन एज, जो आपको यहां पर गिवन है। तो सपोज एक आइस बॉक्स है, और जो आपका आइस बॉक्स है उसमें कोई आइस पड़ी हुई है, ये वो आइस बॉक्स है जब वो फ्रिज रेफ्रिजरेटर नहीं हुआ करता था। आजकल भी कई जो यूज करते हैं आइस बॉक्स, थर्मोकोल का बड़ा मोटा सा बना होता देखा होगा आपने, और काफी देर तक उसमें चीज ठंडी रहती है। क्यों? क्योंकि थर्मोकोल काफी मोटा है, तो उसमें से हीट जब ट्रेवल करेगी अंदर तो काफी टाइम लेगी, तो उतनी देर तक तो कम से कम आपका जो भी इसमें सब्सटेंस पड़ा हुआ है वो ठंडा रहेगा। सो क्वेश्चन यही है कि एक हमने आइस को रख दिया और 6 घंटे तक हमने रखा, आपको ये बताना है कि कितनी आइस बच जाएगी 6 घंटे के बाद। कब? जब बाहर का टेम्परेचर कितने 45 डिग्री सेल्सियस, यानी कि काफी गर्मी पड़ रही है 45 डिग्री सेल्सियस, और अंदर का टेम्परेचर आइस का 0, तो एटलीस्ट आपको टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू तो मालूम है, ठीक है ना। तो इसमें आपको वैल्यू निकालनी है क्यूबिकल आइस बॉक्स ऑफ 30 सेंटीमीटर साइड एंड थिकनेस गिवन। एक बार जरा लगा के देखना फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का क्वेश्चन है ये, और मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ कि हीट ट्रांसफर करवाओ फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, और जब आप हीट एंटर करेगी, क्यू अमाउंट ऑफ हीट एंटर करेगी 6 घंटे में, टाइम की वैल्यू 6 आवर्स पुट करना, तो जब एंटर करेगी आइस को मिलेगी। आइस के लिए क्या लगाओगे फॉर्मूला? ML, क्यू इज इक्वल टू ML, इस हीट को Q को ML के इक्वल करके जरा सॉल्व करने की कोशिश करना। क्यूबिकल जो इस बॉक्स है वो 30 सेंटीमीटर साइड का है, ये रहा, ये लो ठीक। नेक्स्ट इसकी साइड 30 सेंटीमीटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थिकनेस, मोटाई, थिकनेस इसकी गिवन है कितनी 5 सेंटीमीटर,
इफ 4 kg ऑफ आइस इज पुट इन टू अ बॉक्स, 4 किलो आइस हमने अंदर रख दी, तो हीट को ट्रांसफर करवाए, तो मैं आपको एक और हिंट दे सकता हूँ इसमें, जो हीट ट्रेवल करेगी इन साइड उसकी वैल्यू क्या होगी, के ए, एरिया क्या होगा क्यू की साइड आपको गिवन है, क्या गिवन है, कितनी 30, तो ये 30x30 का एरिया हो गया क्रॉस सेक्शन, कोई डाउट इसमें, तो एरिया की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं 30x30, डिपेंडिंग अगर एसआई में करना है तो एसआई ले लो, अगर सीजीएस में करना है तो सीजीएस, तो एरिया पुट कर लोगे 30x30, याद क्लियर है, इनटू टेम्परेचर डिफरेंस जो कि कितना होगा 45 माइनस 0, क्योंकि अंदर 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है और बाहर 45 डिग्री सेल्सियस है। एंड लास्ट हम इसमें क्या करेंगे, लास्ट इसमें हम इंटू टाइम, टाइम की जगह 6 आवर्स, तो 6 × 60 × 60 कर लेना सेकेंड में, डिवाइडेड बाई क्या थिकनेस, बोलो क्या ले 5, वो क्यों, क्योंकि जो ये जो फॉर्मूला है हीट ट्रांसफर करने का, ये फॉर्मूला सॉलिड्स नहीं लगता है, हवा में तो लगता नहीं, हवा की कोई थिकनेस नहीं, हवा में एटम्स टाइटली पैक्ड नहीं, सॉलिड की जो दीवार है जिसको आप एक साइड बोल रहे हो उसमें एटम्स में से ट्रेवल करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सॉलिड में से जब आपकी हीट ट्रेवल कर रही है तो क्या काउंट होगी थिकनेस, उस थर्मोकॉल की जो भी थिकनेस होगी, जो कि क्वेश्चन में कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो थिकनेस में ये कंफ्यूज नहीं होना आपने कि थिकनेस में 30 सेंटीमीटर ले, नहीं 30 सेंटीमीटर हीट ने ट्रेवल नहीं करना, अगर मान लो यहाँ पर आइस पड़ी हुई है रूम में और ये आइस बॉक्स है, तो हीट अगर बाहर से आ रही है तो दीवार के अंदर से हीट आएगी, तो थिकनेस दीवार की ली जाएगी ना कि इसकी विड्थ ली जाएगी, ठीक है ना, यहाँ तक इसके डी की जगह डिनोमिनेटर में हम क्या पुट करने वाले हैं 5 सेंटीमीटर, तो यूनिट्स में प्लीज कन्वर्ट कर लेना अगेन एक बार, अगर एसआई करना है तो एसआई, अगर ये भी सीजीएस तो ये भी सीजीएस, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट किसी को इसमें, वैसे इट्स कि अगर आप सीजीएस में मत रखो इसको एसआई में लेके चलो, तो एरिया की जगह पुट कर लेना 0.30 × 0.30 और थिकनेस की जगह आपने लेना 0.05, इतनी हीट एंटर कर गई आइस को मिल गई, जिससे आइस क्या हो गई मेल्ट हो गई, ये हीट की वैल्यू निकल जाएगी यहां पर, इससे आइस मेल्ट हो गई जब आइस मेल्ट हुई तो फॉर्मूला क्या लगेगा, मान लो m ग्राम ऑफ आइस मेल्ट हो गई, तो q इज इक्वल टू हम क्या यूज करेंगे यहां पर ml, q इज इक्वल टू ml, यानी कि m अमाउंट ऑफ आइस हैज मेल्टेड, तो q इज इक्वल टू ml, आइस को मेल्ट करवाने के लिए हीट कहां से आई, बाहर से आई, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे इक्वेट कर लेंगे, जब हम इसे इक्वेट करेंगे तो मेरे पास m की वैल्यू आ जाएगी, m है क्या मास ऑफ आइस मेल्टेड, ऐसे करते हैं ना मास ऑफ आइस मेल्टेड, यहां से सॉल्व करेंगे m की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, तो कितनी आएगी, कितनी आ रही है 4 kg से, 6 kg से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 4 kg टोटल आइस है, आइस इज 4 kg, तो L लेटेंट हीट किसमें, यूनिट्स किसमें गिवन है जूल्स में, और वो हीट किसमें चल रही है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के यूनिट देखना क्या है, वो भी जूल्स में, दोनों जूल्स हैं, चेक कर लो, तो फिर तो नहीं आना चाहिए आंसर ऐसा, इसका आंसर पर ग्राम है, पर ग्राम पर केजी में कन्वर्ट करो उसे, फिर इक्वेट करके यहां पर जो आंसर आ रहा है वो इतना आ रहा है, मुझे मालूम नहीं आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक बार चेक कर लो 0.313 kg, और ये 335 × 10³ की है, मतलब इसको पर केजी कर लिया, पर ग्राम था ना, जो लेटेंट हीट है L वो 335 कैलोरीज पर कितने जूल्स पर ग्राम है, तो देखो इसको जूल्स पर किसमें करना है केजी, क्योंकि अब हम अगर राइट साइड पे एसआई ले रहे हैं तो लेफ्ट साइड पर भी क्या लेके चलेंगे एसआई, ठीक है ना, यहां तो आफ्टर कन्वर्टिंग इन जूल्स एंड इन केजी मास आ जाएगा, ये मास क्या आ गया, इतना मास आइस का क्या हो गया मेल्ट हो गया, तो बचा कितना 4 kg में से ये आइस के मास को माइनस कर दो, क्या आ गया बची हुई आइस की वैल्यू, पॉइंट सबको क्लियर है, कोई डाउट किसी को इसमें, ठीक है ना, समझ आ रहा है सबको इसमें किया क्या एग्जैक्टली, जो बाहर से हीट आ रही है वो आइस को दे दी, आइस मेल्टेड निकाल लिया, आइस मेल्टेड आ गया 6 kg में से माइनस कर दिया,
इज अराउंड 3000 केल्विन. ठीक है, कोई ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक लैंप है और बल्ब है, उसका टेम्परेचर गिवन, एट व्हाट वेवलेंथ विल इट रेडिएट मैक्सिमम एनर्जी? रेंज, डिस्प्लेसमेंट लॉ कि कितनी वेवलेंथ पे उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी. तो लैम्डा इनटू टी इज अ कांस्टेंट. और एक और चीज, विल दिस वेवलेंथ बी विल इन अ विजिबल रीजन? बताना पड़ेगा कि जो वेवलेंथ रिलीज हो रही है, क्या वो देखो, वेवलेंथ रिलीज होने का मतलब कि एक वेव रिलीज हो रही है. वेवलेंथ मींस वेव की लेंथ, और वेव की लेंथ का मतलब वेव मींस रेडिएशंस. अगर वो रेडिएशन रिलीज कर रहा है तो क्या आपको वो दिखाई दे रही है? कुछ वेव ऐसी हैं जो दिखाई नहीं देती, रेडियो वेव्स हैं, मोबाइल फोन पे बात कर रहे हैं वेव ही दिख रही, लेकिन कुछ वेव ऐसी हैं जो दिखाई देती हैं. लाइट वेव एक ऐसी वेव है जो दिखाई देगी. सो डिपेंड करता है कि हमारी जो आईज हैं वो कितनी फ्रीक्वेंसी को रिकॉग्नाइज कर सकती है, आपको ये चेक करना पड़ेगा. और वेन्स कॉन्स्टेंट गिवन है, और ये भी गिवन है, वेवलेंथ ऑफ विजिबल रीजन लाइज बिटवीन 3800 एंड 7800. अगर आपकी वेवलेंथ इसके बीच में आ गई तो आपको दिखाई देगी, अगर इसके बीच में नहीं आई तो वो दिखाई नहीं देगी. तो लैम्डा इनटू टी इज अ कांस्टेंट कर लें, तो लैम्डा इनटू टी अ कांस्टेंट से आपने क्या किसकी वैल्यू निकाल ली? लैम्डा की वैल्यू निकाल ली. ठीक, मतलब कितनी वेवलेंथ रिलीज होगी. तो लैम्डा इनटू टी हमने तो एक कांस्टेंट किया ना, लेकिन इसमें वेन्स कांस्टेंट भी गिवन है कि लैम्डा इनटू टी किसके इक्वल है, उस कांस्टेंट की कोई वैल्यू तो होगी, और उसकी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 0.288. ठीक है आदर. तो अब आपको ये डिसाइड करना है, अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको एंगस्ट्रॉम में. एंगस्ट्रॉम का मतलब कि 10^-10 की फॉर्म में. तो इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करो, जो कि कितना आएगा? 9600 एंगस्ट्रॉम. उसको कन्वर्ट कर लेना, उसको 10^-10 में बनाना है आपने उसे. तो इतना एंगस्ट्रॉम. लेकिन आपको विजिबल रीजन, क्या ये विजिबल रीजन के बीच में लाई कर रहा है? ये बिल्कुल लाई नहीं कर रहा बीच में, तो इसका मतलब ये वेव दिखाई नहीं देगी. ठीक है ना यहां तक, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये हमने वैसे कर शायद आपके करना चला, एक बार कर लिया था नहीं? एक लाइन का क्वेश्चन है, टू व्हाट टेम्परेचर मस्ट अ ब्लैक बॉडी बी रेज्ड इन ऑर्डर टू डबल टोटल रेडिएशन इफ ओरिजिनल टेम्परेचर इज गिवन? तो अगर टेम्परेचर गिवन है तो बताओ नया टेम्परेचर क्या होगा जब एनर्जी एमिटेड क्या हो जाए? डबल. तो एनर्जी एमिटेड डबल का मतलब कौन सा लॉ लगेगा? स्टीफन्स लॉ, ई इज सिग्मा इंटू टी की पावर 4. ठीक है यहां तक. तो इसमें फॉर्मुला लगा लेना, ई गिवन है, इसको केल्विन में हमने कन्वर्ट कर लिया, एंड केल्विन में कन्वर्ट कर लिया. तो ई डैश प्रोपोर्शनल टू टी डैश 4, ई प्रोपोर्शनल टू टी 4, सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गया. तो आपको एनर्जी की रेशियो क्या करनी है? डबल कर दिया, एंड मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली? टी डैश की. क्रॉस मल्टीप्लाई करके न्यू टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेटेड. जस्ट एक फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई डाउट इसमें? तो इसमें इसका आंसर निकाल लेना, ऑब्वियसली आंसर रेज टू पावर 1/4 की फॉर्म में आएगा, कोई बात नहीं. आप एक क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो एक बार, ये करना 22nd क्वेश्चन.
one end of a copper rod of uniform cross sectional area and length given is in contact with ice and other end with water at 100 degree Celsius. So, ek copper rod hai aur copper rod bas copper rod hai, do material bhi nahi hai isme to. Length given hai, ek end ice mein hai, ek end 100 degree Celsius water mein hai. At what point along its length should the temperature of 200 degree Celsius be maintained so that instead mass of so that in a steady state hoga isme mass of ice melting is equal to that of steam produced in the same interval of time. To aapko ye batana hai ki ek end 0 degree pe hai, ice pe hai, ek garam pani mein hai, steam nahi hai, aur isme jo 0 degree Celsius wo bhi kya given hai with ice. Okay, ice hai. Wo keh raha hai ki ek kaam karo, rod ka rod ke beech mein rod ko garam karna shuru kar do, ye aise karo कि मैं रॉड के बीच में सेंटर में नहीं कहीं पर भी कहां टेम्परेचर को 200 डिग्री सेल्सियस कर दूं. सोचो ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये 100 डिग्री सेल्सियस है, और मान लो मैंने यहां पर 200 डिग्री सेल्सियस कर लिया तो कुछ हीट यहां जाएगी, कुछ हीट यहां जाएगी. तो मैं चाहता हूं कि कुछ हीट यहां भी जाए, यहां भी जाए, जो यहां की हीट है वो आइस को मेल्ट कर दे, और जो वहां की हीट है वो गर्म पानी को किस में कन्वर्ट कर दे, स्टीम में कन्वर्ट कर दे. और 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी ऑलरेडी पड़ा हुआ है. ठीक हो गया यहां तक? तो अगर आइस को मेल्ट करना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, Q इज इक्वल टू एम एल. अगर स्टीम बनानी है गर्म पानी से तो अगेन फिर से फॉर्मूला क्या लगेगा, Q इज इक्वल टू एम एल. Q कहां से आ रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन 200 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस एंड 200 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस. हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी, और बीच का टेम्परेचर हायर है तो इधर भी लोअर है, इधर भी लोअर है. तो कुछ हीट को यहां भेजो, कुछ हीट को यहां भेजो और ट्राई करो. और आपको यह बताना है लेंथ के अलोंग, मतलब सपोज 100 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस, और मान लो इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट क्या गिवन है, ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस ए से कितना है एक्स, और इसका डिस्टेंस ऑब्वियसली यहां से कितना हो जाएगा 150 माइनस एक्स. हीट को सेंड करो 200 से 100 और 200 से 0. इसमें सबसे पहली चीज हीट, मान लो हमने डिस्टेंस एक्स ले लिया तो यहां से कितनी हीट इस तरफ चली गई, करें कैलकुलेट. थर्मल कंडक्टिविटी लेट से के है इनटू
एरिया मान लो क्रॉस सेक्शन का ए है इनटू टेम्परेचर डिफरेंस 200 माइनस 0 और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है यहां पर 150 माइनस एक्स और ये जो वैल्यू है दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट क्यू अपॉन टी बोलूंगा ना इसे क्योंकि मैंने टाइम तो राइट साइड पे लिया नहीं और टाइम मेरे को गिवन भी कहा है तो वो बोल रहा है कि रेट सेम होना चाहिए रेट जो आइस का मेल्ट करने का रेट है वो स्टीम के बनने के रेट के इक्वल होना चाहिए तो इसमें क्यू पॉइंट टी हमने निकाल लिया ठीक और हम क्यू को क्या पुट कर सकते हैं यहां पर एम इंटू एल ठीक है और एम किसका आइस का क्योंकि हीट 0 डिग्री सेल्सियस पे जा रही है तो आइस का मास गिवन है नहीं गिवन सेम अमाउंट है वाटर का और आइस का कोई बात नहीं ना गिवन हो क्योंकि हम एम पॉइंट टी सेम करने वाले हैं हार्डली मैटर्स तो कोई फर्क मास गिवन है किसका सेम मास है तो ठीक है इसको एम पुट कर लेते हैं फिर नहीं भी पुट करना इट्स ओके तो आप इसके पैर में आई डाल लो मास ऑफ आइस यहां तक क्लियर है सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन ठीक है ना यहां तक दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन नेक्स्ट एक और इक्वेशन बनाते हैं लेकिन इस बार जो इक्वेशन बनानी है वो इधर जाने की इक्वेशन बनानी है तो मान लो क्यू अमाउंट ऑफ हीट चली गई इन टाइम टी अगेन कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी सेम एरिया सेम टेम्परेचर डिफरेंस की जगह 200 माइनस 100 और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितने एक्स और यहां पर क्यू की जगह क्या पुट करेंगे यहां पर एल की जगह लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेकिन यहां पर मास ऑफ वाटर इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पॉइंट क्लियर है यहां तक कोई डाउट इसमें लेफ्ट और इक्वेशंस क्लियर है जो मैंने इक्वेशंस लिखी और मुझे क्या गिवन है कि रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ आइस मतलब मान लो इतनी आइस बन रही है पर सेकेंड इतनी स्टीम बन रही है या इतना वाटर कन्वर्ट हो रहा है पर सेकेंड इसकी वैल्यू एग्जैक्टली दोनों साइड्स पर क्या होगी सेम पॉइंट क्लियर है यहां पर तो एक काम करो इक्वेशन नंबर वन है इक्वेशन नंबर टू है दोनों को डिवाइड कर दो आप डिवाइड कर दोगे जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास ये एम और टी आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल के और के कैंसिल हो जाएंगे ए और ए कैंसिल हो जाएगा यहां से एक्स निकाल लेना मेथड सबको समझ आ गया कि एक बार हीट को जाने दो आइस में हीट को सॉरी वाटर में और हीट को या आइस में सॉरी एक बार हीट को जाने दो इस तरफ से वाटर में तो बेसिकली आपको क्या करना है आपको इस केस में जो हीट जा रही है लेफ्ट और राइट पे आपको उसमें अमाउंट मास पर सेकेंड की वैल्यू क्या लेनी है दोनों में सेम ठीक कितना है नीचे ले गया 113.4 सेंटीमीटर चेक करते हैं मेरा तो आ रहा है इसमें 10.4 सेंटीमीटर यही आ रहा है अच्छा उस हाँ ठीक है ये भी हो सकता है इसे 150 माइनस 10.4 निकाल दिया ओके तो यहां तक क्लियर है मेथड सबको क्लियर है कि कैसे करने हैं दो इक्वेशन बना के दोनों को क्या कर देने डिवाइड कर देने एनी डाउट नेक्स्ट है और रादर लास्ट है एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जिसकी डिटेल मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास में ही करवाऊंगा क्योंकि नॉर्मल बैच में कोई अंत नहीं है आप जितना मर्जी करते रहो तो बेसिकली ये सिर्फ कंपटीशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो दो बार आया हुआ है और वही क्वेश्चन है अलग अलग फॉर्म में आया हुआ है हम उसको सॉल्व करते हैं लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ इस बैच में लेकिन जो संडे को एक्स्ट्रा क्लास होगी वैसे पहले अभी मैं अनाउंस करूंगा टाइम अभी आपसे पूछ के करूंगा डोंट वरी तो अभी उसके अंदर मैं इसका प्रूफ बताऊंगा कि ये कहां से आया क्योंकि प्रूफ के लिए एक फ्री टाइम चाहिए नॉर्मल बैच को हम उसमें लगा नहीं सकते और इसका प्रूफ कहीं ना कहीं से कहां से न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कोई चीज ठंडी हो रही है चाय का कप है
और सपोज 80 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस 5 मिनट में ठंडा हो जाता है, चाय ठंडी हो जाती है 50 डिग्री पे, तो बोलो 50 डिग्री से 30 डिग्री कितनी देर में ठंडी होगी, तो आप कैसे निकालोगे? उसका जो ठंडा होने का रेट है वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है। तो जब भी कोई चीज ठंडी होती है तो अपने अंदर से क्या निकालती है? हीट रेडिएशन। अब जब हीट निकल रही है अपने अंदर से तो वहां पर क्या आएगा? स्टीफन का लॉ। तो कहीं ना कहीं ये जो फॉर्मूला आया हुआ है वो कहीं ना कहीं स्टीफन के लॉ से बना हुआ है, यानी कि जो प्रूफ बनने वाला है वो कहीं ना कहीं स्टीफन के लॉ से बनेगा, ठीक है? बट मैं प्रूफ इस बैच पे नहीं करवा रहा, मैं एक्स्ट्रा क्लास में करवाऊंगा। तो अभी मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मूला बता रहा हूँ कि करना कैसे है। आपको इसमें क्या करना है, इसके अंदर एक फॉर्मूला आपने नोट करना है, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू के फॉर थर्मल कंडक्टिविटी के इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट, थीटा माइनस थीटा नॉट, वेयर डी थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर, थीटा इज एवरेज टेम्परेचर एंड थीटा नॉट इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स, क्योंकि सराउंडिंग में मैटर करेगा ना, ठंड पड़ रही है गर्मी में ही, चाय ठंडी हो रही है या कोई भी चीज ठंडी हो रही है, सब मैटर करेगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है इन केस अगर आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन ये आया हुआ है, क्वेश्चन का तो दो आए हुए हैं, एक क्वेश्चन का आंसर तो भी मिल जाएगा आपको और दूसरे का आंसर आपको प्रूफ में मिलेगा। तो इसमें क्या है कि फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल साथ ही साथ लिख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी बॉडी, इसमें क्या गिवन है ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ लिक्विड कूल्स फ्रॉम 70 डिग्री टू 60 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल 70 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कितना हो गया, 60 डिग्री सेल्सियस हो गया, और कितनी देर में हुआ, 5 मिनट्स में हुआ, ओके ये केस नंबर वन है। और फिर बताओ क्या करना है, 60 डिग्री से कितना करना है, 50 डिग्री, कितनी देर में, टाइम निकालना है ठीक। तो कितने टाइम में होगा, और गिवन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग जरूर गिवन होगा, कितना, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, यानी कि थीटा नॉट इज गिवन। तो ये केस क्लियर है, 70 से 60, 60 से 50 टाइम की वैल्यू गिवन है और नीचे आपको टाइम की वैल्यू निकालनी है। एनी डाउट, लगाए फॉर्मूला। तो देखो फर्स्ट केस में मैं फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं, तो केस नंबर वन में डी थीटा चेंज इन टेम्परेचर, बोलो कितना टेम्परेचर हो रहा है, 70 माइनस 60 डिवाइडेड बाय टाइम, कितने मिनट में, 5 मिनट में, मिनट को मिनट रहने तो कोई बात नहीं, सेकंड में करना सेकंड में कर लो, हार्डली मैटर्स, के इनटू थीटा, थीटा मीन एवरेज टेम्परेचर, और किसका एवरेज, 70 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2, इसका किसका, दो ही तो टेम्परेचर है, एक 70 और एक 60 है, माइनस 30 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये 30 क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग आपको कितना गिवन है, 30 गिवन है। यहां तक सबको क्लियर है, फर्स्ट इक्वेशन बन गई, जैसे फर्स्ट इक्वेशन बनाई एग्जैक्टली वैसे ही सेकंड बना लो। सेकंड इक्वेशन है 60 माइनस 50 डिवाइडेड बाय टाइम निकालना है, सम कांस्टेंट के एवरेज टेम्परेचर कितना है, 60 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 माइनस अगेन 30 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों को डिवाइड कर लोगे, कैसे के कैंसिल, टाइम आ जाएगा इसमें, कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना। यहां तक ये पॉइंट क्लियर है, हाउ टाइम कैन बी कैलकुलेटेड और हाउ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग इज अप्लाइड, एंड प्रूफ मैंने बताया, प्रूफ मैंने इस क्लास में नहीं करवाना, इसमें बाइनोमियल होने में लगेगी, काफी लंबी कहानी है इसकी, तो उसी से देखेंगे, और ग्राफ प्रूफ भी बनते हैं इसके, तो एक्स्ट्रा क्लास में जो आएगा उसको मालूम पड़ेगा। देख लिया टेम्परेचर कह रहे 70 से 60 हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस 70 माइनस 60 5 मिनट में हो रहा है, एवरेज टेम्परेचर 70 प्लस 60 बाय 2 और सराउंडिंग का 30 है, ऐसे ही आपको 7 मिनट आ गया, तो आपके सामने चाय जो है अलग अलग टाइम पे ठंडी होती है, 10-10 डिग्री कूल होने शुरू हो गई, टाइम टेकन सेम नहीं रहेगा। याद क्लियर है, कोई डाउट किसी को याद, ठीक, ओके। तो अभी
इसका आंसर क्या होगा बताना जरा। ये आपको ये क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी है और टेम्परेचर है, और फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर का रिलेशन गिवन है कब, जब एक बॉडी को ठंडा होने के लिए रख दिया गर्म करने के बाद एट सम टेम्परेचर के बाद, तो फिर रेडिएशन बाहर निकालनी शुरू कर दी, यानी ये कहीं ना कहीं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आने वाला है, वो एनर्जी इमिट करेगा पर सेकेंड पर यूनिट एरिया एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो जितनी भी उसने वेवलेंथ बाहर निकाली, वेवलेंथ है तो यानी कि फ्रीक्वेंसी भी है, तो जो भी उसने फ्रीक्वेंसी बाहर निकाली और उसके टेम्परेचर जिसके ऊपर मीन्स अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, अलग अलग टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव बाहर निकलेगी। तो आपको इसमें ग्राफ प्लॉट करके बताना है कि ए ग्राफ है, बी ग्राफ है, सी ग्राफ है, मीन्स कौन सा ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये और ये, मतलब सपोज ये सी है, ये ए है, ये डी है और ये मान लो ई ले लो कोई भी, इनमें से कौन सा ग्राफ सही रिप्रेजेंट कर रहा है इसे। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है, लैम्डा इन टू टी इज अ, ठीक है, लैम्डा इन टू टी इज अ कॉन्स्टेंट, या फिर लैम्डा क्या होता है, सी इज न्यू लैम्डा या वी इज न्यू लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू वॉट सी बाय न्यू इंटू टी इज अ कॉन्स्टेंट, सही है ना यहां तक, या टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो ग्राफ क्या बनेगा, व्हेन एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, मैथ्स में अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन में से पास करते हैं, ठीक है यहां तक। इसी टाइम ये भी एआई ट्रिपी में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब पेपर मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगा, बस ये है कि उस टाइम एक साल बाद पूछूंगा ना सेम क्वेश्चन, तब देखेंगे किसको याद होगा किसको नहीं होगा, तो ये रिकलेक्ट करना ही मुश्किल है, पेपर मुश्किल नहीं है, तीन सब्जेक्ट्स को इकट्ठा दिमाग में रखना है कि एक चीज को इतना आसान नहीं है, ठीक है यहां तक। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन करो आप, ये इस मैं अलग टाइप का क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ, ये भी सही है, या ऐसा करते हैं, चलो छोड़ो, मैं इसको नहीं तो होमवर्क देता हूँ पहले आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी शीट दूंगा, मैंने शीट से दी ना इसकी, मैं होमवर्क दूंगा आपको, आप पहले वो होमवर्क करके लाओ फिर डिस्कस करेंगे, वो ज्यादा बेटर है, इंस्टेड कि मैं आपको इसी टाइम दूं तो वो उतना दिमाग नहीं लगता जितना लगना चाहिए। तो मैं इसको अभी यहीं पर क्लोज कर रहा हूं, एंड मैं एज पर शेड्यूल नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, और ये खत्म हो गया थर्मोडायनेमिक्स यहां तक, एंड जो एक्स्ट्रा जितना भी काम पड़ा हुआ है वो मैं एक्स्ट्रा क्लास में लूंगा, ठीक। चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक। ऑसिलेशंस बोल सकते हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, देखो इस चैप्टर की एक खास बात बताऊं मैं आपको, अगर आप स्कूल के परस्पेक्टिव से मुझसे पूछो कि ये चैप्टर कैसा है तो आपको विश्वास नहीं होगा। SHM और वेव्स अभी 20 डेज में खत्म हो जाएगा, और हम बहुत देर से फिजिक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम एरर्स पे और काइनेमेटिक्स पे कम, क्योंकि स्लो पेस होती है ना, 15-15 दिन, प्रोजेक्टाइल पे 10-10 दिन, इन दोनों को मिला के 20 दिन, किसी भी अभी तो लोगों का स्टार्ट भी नहीं हुआ होगा बाकी ट्यूशन पे नॉर्मली, और 20 डेज लगा लो, चलो 25 दिन लगा लो, इससे ज्यादा क्या लगाओगे। ये जो चैप्टर है और जो वेव्स का चैप्टर है, ये कम से कम नहीं तो 70 में से 15 नंबर से ऊपर का आपके पेपर में आने वाला है, मतलब कि जो रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना शुरू करेगा उसके स्कूल में तो मार्क्स आएंगे ही आएंगे, पहली चीज। चलो छोड़ दो स्कूल की, वो तो छोटी बात है, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा इसमें क्या आना है क्या नहीं आना, तो उसको तो करवा देंगे तैयार। कॉम्पिटिशन की बात करते हैं, आप ऐसी कोई पुराने पेपर उठा लो, कोई बुक उठा लो, IIT, AIEEE, BMT, स्टेट लेवल, जो मर्जी कंपटीशन उठा लो, हो ही नहीं सकता ना, तो आज तक ऐसा हुआ कि कोई पेपर फिजिक्स का आ गया और जिसमें SHM ना आया, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये आप खुद समझ लो कि SHM जिसको बोलते हैं कि कोर ऑफ फिजिक्स है, मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा आपकी, सिर्फ फिजिक्स में नहीं, आने वाले जितनी भी आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जाओगे, किसी भी ब्रांच में चले जाना, SHM ने तो आना ही आना है, पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज, SHM के अंदर स्प्रिंग्स आएंगे, और ये SHM होता क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या एग्जैक्टली, ये तो मैं अभी आपको आराम से बताऊंगा, मे बी आज बता
पाऊं, मेरी आज ना बता पाऊं, मुझे पता नहीं है। इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से करना, जितने ऑब्जेक्टिव हो सके उतने करना, क्योंकि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता चुका हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी आने वाले टाइम में जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैंने स्टूडेंट को बताया भी था, मैं दो बैचेस में कन्वर्ट कर दूंगा अपने दोनों बैचेस को, एक एनसीईआरटी लेवल बैच जिसे बोलते हैं, एक एडवांस बैच जिसकी रोज क्लास हुआ करेगी। जितना भी काम हमारा पड़ा हुआ है रोटेशनल का, थर्मो का, जो बच जाएगा, और मेनली एसएचएम वेव का तो भरा पड़ा है। आईआईटी का पेपर आप देखो सही जाके, स्प्रिंग लटके होंगे, स्प्रिंग ही स्प्रिंग आपको दिखेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन स्प्रिंग के आपको, अगर आप सॉल्व भी करोगे ना, आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व होगा भी नहीं, क्योंकि स्प्रिंग्स एक एसएचएम मोशन में मूव करता है, तो यानी कि इसकी नॉलेज के बिना पेपर सॉल्व नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एसएचएम होता क्या है। अगर आप मुझसे पूछोगे सर फटाफट बताओ एसएचएम है क्या, ऐसी क्या चीज है जिसके बिना पूरी फिजिक्स ही रुक गई है। हाँ, एक और चीज बता दूं इसके बिना, अगर ये नहीं आता ना, समझो प्लस टू का 25% काम खत्म हो गया। और अगर वेव्स नहीं आता इसके अगला चैप्टर, तो 25% और खत्म हो गया, तो यानी कि बचा कितना 50%, यानी कि आप गेम से एक साल बाद नहीं, इसी महीने आउट हो जाओगे अगर आपको ये दो चैप्टर्स नहीं आए। आप इंपॉर्टेंस समझ गए, आफ्टर ऑल बनाने वाले ने प्लस वन यहां स्टॉप की है और प्लस टू इसके बाद स्टार्ट की है, कुछ तो ऐसा होगा जो यूज होगा आगे जाके, और वो यही दो चैप्टर्स। मैं आपको इसका लिंक, इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ। देखो इसके ऊपर कैसे फिजिक्स टिकी हुई है, आपका कॉम्पिटिशन कैसे टिका हुआ है। वेव्स में, वेव्स क्या होती है, आप बोलते हो कि पार्टिकल जब डिस्टर्ब होता है नेचर में तो वेव जनरेट हो जाती है। जैसे हम स्टेडियम में बैठे हुए थे, हमने सोचा कि चले काम करते हैं, एक मैक्सिकन वेव बनाते हैं, मजा आएगा। वो जब स्टेडियम में लोग खड़े हो जाते हैं, नीचे बैठते हैं, फिर अगला खड़ा हो, एकदम बहुत बढ़िया लगता है, एकदम स्टेडियम में लोग खड़े हो रहे हैं, ऊपर हो रहे हैं, और ऐसा दिखता है कि वेव ट्रेवल हो रही है, ठीक है ना यहाँ तक। अब कैसे डिसाइड किया हमने कि वेव बनानी है, क्या हमने भागना शुरू कर दिया, ऊपर नीचे लोग भाग रहे हैं, बिल्कुल नहीं भाग रहे, खड़े खड़े लोग क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। स्पेस के अंदर भी ऐसे ही है, पार्टिकल जब अपनी पोजीशन ऊपर नीचे आगे पीछे डिस्प्लेस करते हैं और सारे के सारे पार्टिकल डिस्टर्ब हो जाएंगे इस तरीके से, तो हमें लगेगा कि एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई है, एक सिमेट्री क्रिएट हो गई है डिस्टर्बेंस में, और हम उसका नाम दे देते हैं इस डिस्टर्बेंस को, हम क्या बोलते हैं, वेव हो गई, ठीक हो गया। तो पार्टिकल तो नहीं भाग रहे अपनी जगह से, सिर्फ क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यार चैप्टर एसएचएम का, मैं क्या बोल रहा हूं, वेव बताता हूं क्यों। पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये पार्टिकल पीरियोडिक मोशन में मूव करता है, ऐसे थोड़ी ना कि आप आपकी मर्जी आप खड़े हो गए बैठ गए, अब मैक्सिमम वेव ऊपर से अभी घूम के आएगी, आप अपनी मर्जी से खड़े हो रहे हो और बैठ रहे हो, ऐसे थोड़ी ना, एक टाइम पीरियड है जब आपको खड़ा होना है और बैठना है, तब वेव जनरेट होगी। बात समझ में आ रही है, जब आप खड़े होकर बैठोगे तब आपको खड़े होकर बैठना है, तब वेव बनेगी, नहीं तो वेव नहीं बनती। अब वेव को छोड़ दो, पार्टिकल को पकड़ लो, पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, जब पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब इसको बताया गया कि पूरे 3 मिनट के बाद वेव घूम के आएगी, तो घड़ी देख ले, 3 मिनट के बाद तेरे को खड़े होके बैठना है। इसका मतलब है ये पीरियोडिकली ठीक 3 मिनट के बाद अपने प्रोसेस को क्या करेगा, रिपीट करेगा, और हर कोई स्टेडियम में ऐसे करेगा, ठीक हो गया यहां तक। यानी कि कहीं ना कहीं एक वर्ड बीच में आ रहा है जिसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। तो ये पीरियोडिक मोशन, जो सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं, दीज आर सम स्पेशल काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशंस। अगर कोई पार्टिकल एसएचएम में है ना, तो 101% वो पीरियोडिक मोशन में तो है ही है। तो ये पॉइंट सबको समझ आ गया, इसका मतलब पहले एसएचएम नहीं, पहले क्या स्टडी करना पड़ेगा, पीरियोडिक मोशन ना, पहले पीरियोडिक मोशन फिर पार्टिकल क्यों, देखेंगे कैसे पीरियोडिकली मूव कर रहे हैं। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन है, बताऊंगा इसमें कोई खास बात है, एक वो खास बात क्या आज पता लग जाएगी। तो इस खास किस्म की पीरियोडिक मोशन को हम क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक कंफ्यूज नहीं होना इसमें, सारी सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन सारी पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती हैं, ये कोई सिर्फ नहीं। 100 पीरियोडिक मोशन हैं, जैसे मैं काम करता हूं, मैं जाता हूं दीवार को टच करके वापस आता हूं, टाइम नोट करना 2 सेकंड, मैं फिर जाता हूं वापस आता हूं 2 सेकंड, मैं फिर जाता हूं वापस आता हूं 2 सेकंड, मैं पीरियोडिक मोशन में हूं, लेकिन मैं एसएचएम में नहीं हूं। अब मान लो एक काम करो, मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग पड़ा था, ये लो एक स्प्रिंग है, अनस्ट्रेच्ड है, तो मैंने एक मास को पकड़ा, उधर फेंका, मास उस दीवार को टच करके वापस आया, अपनी मीन पोजीशन पे आया, फिर कंप्रेस हो गया, फिर मीन पे आया, एक्सपेंड हो गया, करता गया, मान लो उसका एक चक्कर 2 सेकंड का है, फिर से जैसे मेरा भी 2 सेकंड का था,
मैं पीरियोडिक था पर मैं SHM नहीं था. स्प्रिंग पीरियोडिक है, ये SHM में भी है. अब आप लोग ये कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये क्या चक्कर है, मेरे में और स्प्रिंग में क्या फर्क है. मैं जा रहा हूँ 2 सेकंड में वापस आ रहा हूँ और मेरा टाइम पीरियड 2 सेकंड है. स्प्रिंग भी जा रहा है वापस आ रहा है 2 सेकंड है, तो स्प्रिंग क्यों SHM हुआ. स्प्रिंग पीरियोडिक तो हुआ ही हुआ, लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ वो SHM में भी हुआ. अब यानी कि कुछ तो ऐसा है जो मुझे नजर आ रहा है और आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना. यहाँ तक तो आज का लेक्चर आपको ये बताएगा वो क्या खास ऐसी चीज है जो डिफ्रेंशिएट करती है पीरियोडिक मोशन को. मीन्स सारी पीरियोडिक मोशन जो आंसर देंगी, सारी पीरियोडिक मोशन SHM क्यों नहीं होती और कुछ होती है तो वो क्यों होती है. पहला क्वेश्चन क्लियर है सबको, ठीक हो गया यहाँ तक. आंसर मैं दूंगा आगे. मान लो पीरियोडिक मोशन आपको आ गई, आपको SHM भी आ गई, तो मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ. जब वेव बनती है तो पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करता है, तो ये भी SHM में होता है. आपको नहीं दिखेगा, मेरे को दिख रहा है. पीरियोडिक तो होता ही होता है, लेकिन मेरे को नजर आ रहा है कि वो SHM में है. तो अगर ये SHM में है और ये वेव जनरेट कर रहे हो आप सारे मिलके, तो यानी कि मेरे को वेव का फंडामेंटल प्रिंसिपल समझ ही नहीं आ सकता जब तक मेरे को SHM नहीं आएगा. तो वेव भी गया, मान लो मेरे को वेव भी नहीं आया, छोड़, मैंने कहा प्लस वन जैसी हुई हुई, प्लस टू में देख लेंगे सारों को. अब करना है प्लस टू में देख लेंगे, देखेंगे कैसे. 1.5 महीने का यूनिट है, इसको ऑप्टिक्स बोलते हैं. ऑप्टिक्स किसकी स्टडी है, लाइट की. लाइट इज अ, फिर फंस गए वेव में 1.5 महीना, बाहर नहीं निकलोगे. चलो सोच लिया ऑप्टिक्स भी छोड़ जाएंगे. एक और चैप्टर है उसमें जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन से क्या बनेगा वेव, फिर फंस जाओगे. आपका वो चैप्टर भी गया, चलो मान लिया. वो भी आपने छोड़ दिया. अगर आपने वो भी छोड़ दिया, अब सुनो उसके बाद क्या हुआ. एक चैप्टर है एंड में जिसको सेमीकंडक्टर एंड प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आपके सिलेबस में प्लस टू में. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन जैसे मैं बोल रहा हूँ तो कैसे ये वेव यहाँ से जाके साउंड वेव जनरेट कर रही है, वो भी चैप्टर आपके हाथ से गया. यानी कि 50% कोर्स तो सिर्फ किस पे बेस्ड है, वेव पे बेस्ड है. तो इम्पोर्टेंस समझ आ गई. और जब जब वो चैप्टर चलेंगे ना, आपको बहुत दुख होगा अगर आप इन 20 दिनों में ना पढ़े. बात समझ में आ रही है. तो अब इन चैप्टर्स पे तो, इन चैप्टर्स को तो, ये चैप्टर मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट हैं. और इसलिए भी फेवरेट है क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि जिनको ये चैप्टर्स आते हैं उनका, उनको जोर लगाने की जरूरत नहीं है. स्टूडेंट को जरा सा उनको पुश करोगे, कॉम्पिटिशन में अपना सेलेक्ट हो जाते हैं. मेहनत वहां करनी है ना. देखो जनता को लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन आता होगा कॉम्पिटिशन में, आप ये ना सोचो कि आप ही को रोटेशनल मोशन आता है. लेकिन वेव SHM एक ऐसा चैप्टर है जो किसी किसी को आता है. यानी कि कुछ तो है इस चैप्टर में जो मैं बोल रहा हूँ किसी किसी को आता है, ठीक. इसको करवाना और इसको सीखना ये एक बस मीन्स इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा इसमें ट्रिक है. तो मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से करवाने की कोशिश करता हूँ जिससे हर स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसके बहुत बढ़िया तरीके से हम इसे करें. सबसे पहले ये स्टोरी जो स्टार्ट हो रही है वो SHM से बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही है. वो कहां से स्टार्ट हो रही है, फ्रॉम लॉजिक. फिर पहले SHM को तो छोड़ ही दो, हम बात करते हैं पीरियोडिक मोशन की. अब देखो पीरियोडिक मोशन की क्या स्टोरी है. सपोज करो कोई, आप अपने मन में कुछ भी अज्यूम कर लो पीरियोडिक मोशन. एक मोशन तो आपको बहुत अच्छे से आती है विच इज पीरियोडिक इन नेचर, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यह हुआ आपने, एक पार्टिकल जाता है विद अ कांस्टेंट स्पीड, वापस आता है विद कैपिटल टी, फिर जाता है, फिर वापस आता है, फिर जाता है, फिर वापस आता है, एंड सो ऐसी है. तो हर चक्कर कितनी देर में पूरा हो रहा है, इन कैपिटल टी. तो इट मींस इट इज अ पीरियोडिक मोशन. ऐसे चक्कर को तो भूल ही जाओ, वो तो मुझको आता ही नहीं आज की डेट में. सिर्फ पीरियोडिक स्टडी करेंगे, 15-20 मिनट सिर्फ पीरियोडिक मोशन है, फिर ऐसे चक्कर को लेके आएंगे. अब सपोज करो मैंने भी कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की. एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि सपोज मैं ओरिजिन पे खड़ा था, ये ग्राउंड है, ओरिजिन पे खड़ा हुआ था और मेरे को किसी ने कहा कि चलो आप 1 मीटर आगे जाओ, इस तरफ राइट पे जाना है आपने, 1 मीटर लेफ्ट पे जाना है आपने, और आपने स्टार्ट कहां से होना है, फ्रॉम ओरिजिन. तो ठीक है, मैंने चलना स्टार्ट किया. मैं 0.1 मीटर पे आया, मैं 0.2 मीटर पे आया, 5 पे आया, 0.7 पे आया और फिर फाइनली 1 पे आ गया, ठीक हो गया यहां तक. और फिर मुझे वापस भी आने, पूरा चक्कर कंप्लीट करना है. तो मैं पहले यहां से गया, अब मैं घूम के
यहां पर वापस आऊंगा, यानी कि 1.7, 0.5, 0.2, 0.1 एंड 0. अभी चक्कर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मेरे को इस एंड पे भी जाना है. मैं इस एंड पे गया, यानी कि मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, -0.1, -0.5 और फिर फाइनली -1. और मैं घूम के वापस आ गया जहां से मैं स्टार्ट हुआ था, वहीं घूम के वापस आ गया. तो मैं कैसे चल रहा हूं, जीरो, अपनी पहले पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बढ़ा रहा हूं मैक्सिमम, फिर मैं जीरो लेके आ रहा हूं, माइनस में लेके जा रहा हूं, फिर जीरो पे लेके आ रहा हूं, कोई डाउट इसमें, ठीक है. और लेट से टाइम टेकन 2 सेकंड, कोई भी 2 सेकंड कॉन्स्टेंट है 2 सेकंड. मैं फिर जाऊंगा, मैं फिर यहां आऊंगा, मैं फिर यहां आऊंगा, 2 सेकंड. मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, मैं पीरियोडिक मोशंस में काम करूंगा. नॉन पीरियोडिक मोशन को तो आप स्टडी भी नहीं कर सकते हो. नॉन पीरियोडिक समझते हो, मैं एक चक्कर काटता हूं 2 सेकंड में, मैं दूसरा चक्कर काटता हूं 1 घंटे में, तो बोलो तीसरा चक्कर कितनी देर में काटूंगा. आप कहोगे मुझे क्या पता कितनी देर में काटोगे, आप तो नॉन पीरियोडिक हो, आपको कौन सा कोई कांस्टेंट फोर्स लग रही है. तो ऐसी मोशन को स्टडी थोड़ा किया जा सकता है, पीरियोडिक को तो स्टडी भी करें, नॉन पीरियोडिक को कैसे स्टडी करें. तो हम स्टडी कर रहे हैं यहां पर सिर्फ पीरियोडिक. तो मैं एक चक्कर कंप्लीट करता हूं, फिर चक्कर कंप्लीट करता हूं, एंड सो ऑन. याद क्लियर है, मैथ्स के स्टूडेंट बैठे थे यहां पे, बैठे हैं ठीक, उन्होंने एक बात पकड़ ली. अब वो कह रहे हैं कि सर देखो, देखो कैसे, इधर ध्यान से देखना, हमने मैथ्स में कुछ ऐसा सीखा है कि अगर आपके पास मान लो x की वैल्यू 0 है और मान लो y की वैल्यू भी उस टाइम पर 0 है, और अगर आपके पास लेट से x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, मान लो x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी यहां पर 2 है, एंड सो ऑन. तो अगर आप मेरे को ऐसी मोशन बताओगे कि जब 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, आप मेरे को ऐसे मत बताओ, आप मेरे को ऐसे बता दो कि x is equal to y. आप मैं आपको एक इक्वेशन बताऊंगा, आप उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो x is equal to y. आप x की कोई भी वैल्यू लोगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली y कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक. तो इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन बताने की जरूरत नहीं है, याद क्लियर है, कोई डाउट इसमें. अब वो स्टूडेंट बोलता है कि जैसे हम इसको करते हैं, आपने मेरे को वैल्यू बताई है, आप जीरो से स्टार्ट हो रहे हो, जीरो से स्टार्ट हो गए 0.1, फिर 0.2 करते करते 0.5 करते करते 1 पे आ रहे हो, फिर 1 के बाद कहां पर आ रहे हो, -1 पे आ रहे हो, -1 के बाद फिर वापस कहां पर आ रहे हो, मींस 0 से आपने पहले इंक्रीज किया, यहां पर 1, ये 1 है, 0 से इंक्रीज किया 1, फिर 1 को डिक्रीज किया आपने और वापस कहां पर आए 0, फिर आप -1 पे आए और फिर आप वापस किस पे आ गए 0. मैंने मैथ्स में इसको मैं रिकॉग्नाइज करता हूं, कैसे रिकॉग्नाइज करता हूं भाई, साइन थीटा, कोई बोला साइन थीटा बोल रहे हैं, हां तो ठीक बोल रहे हैं, साइन थीटा कैसे, साइन थीटा का की वैल्यूज क्या होती हैं, आप एंगल पुट करो, मैथ्स वाले मेडिकल वाले सुन ले, अगर मैं एक साइन थीटा बीच में लेके आऊं, साइन थीटा पीरियोडिक होता है ठीक, आप थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करो, आप थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करो, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करो, थीटा 120 पुट करो, फिर 180 पुट करो, फिर करते करते 360 पुट करो, आपकी जो वैल्यूज आएंगी वो एग्जैक्टली सेम आएंगी, करना शुरू करो तो सेम आएंगी. बात समझ में आ रही है, और मेडिकल वालों को तो बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा इस चैप्टर में, ठीक. तो ये चीज क्लियर है सबको कि इसमें क्या करना है, हमने ये जो वैल्यूज हैं, जो पीरियोडिक मींस 0 से लेके हम कहां पर आ रहे हैं, मींस हमने 0 से स्टार्ट किया और फाइनली हम कहां पर आ रहे हैं 1, फिर -1, फिर 0. और अगर आप एंगल मैथ्स में 360 को क्रॉस कर जाओ, 375, 400 अप टू कहां तक, 720, 360 के बाद 720 आ जाएगा. तो 720 मींस कि आप मान लो एक सर्कल पे हो, और सर्कल में क्या हो रहा है, जब हम बोलते हैं 360 तो एक चक्कर पूरा हो गया, फिर 360 और 720 एक और चक्कर पूरा हो गया. तो कहने का मतलब ये वैल्यूज फिर से अपनी जो मैंने लिखी 1 माइनस 1 0.5 0.7 ये फिर से वैल्यूज रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक. तो मैथ्स में साइन थीटा द पीरियोडिक फंक्शन हम इसे ऐसी बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है अपनी वैल्यूज को क्या करता है, रिपीट, ठीक. अब मैंने उसको स्टूडेंट से ये पूछा, ठीक कह रहे हैं. तो क्या मैं बच्चों को ये कहूं, ये देख सपोज मैं ओरिजिन पे खड़ा हुआ था, ध्यान से देखना, सपोज मैं 0.1 पे गया, मैं 0.5 पे गया, मैं 1 पे गया और मैं वापस फिर -1 पे आया और फिर मैं 0 पे आया, सेम क्वेश्चन है. मैं तो सड़क पे चल रहा हूं, और मैं क्या स्टूडेंट को ये कहूं कि मैं साइन थीटा के की जो वैल्यूज है उसको फॉलो कर रहा हूं, मेरी इक्वेशन साइन थीटा लिख लो. अगर मैं सड़क पे चल रहा हूं तो फिर मेरा एंगल कहां से आ गया,
एंगल का एंगल क्या लूं, अगर मैं ग्राउंड पे चल रहा हूं और ठीक है मैं इस चीज को अवॉइड कर रहा हूं कि वैल्यूज कौन लिखेगा, मैंने मैथ्स की हेल्प ली और मैथ्स की हेल्प से मैंने अपनी डिस्प्लेसमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया बाय साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा की वेरिएशन भी सेम टू सेम ही होती है। तो फिर मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं सड़क पे ऐसे चल रहा हूं जाके वापस आ रहा हूं जाके वापस आ रहा हूं, तो फिर मुझे बताओ कि साइन थीटा में थीटा क्या लूं मैं, नहीं नहीं थीटा डायग्राम में क्या लूं, थीटा इज इक्वल टू आर वी आर डी, आर क्या है और डी क्या है, नहीं 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 बोलो, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी टाइम तो वह एंगल हो जाएगा, नहीं ठीक है ओके। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन को सस्पेंस दो मिनट के लिए रहने देते हैं, ये साइन थीटा बीच में कैसे आ गया, यहां तक तो समझ आ रहा होगा साइन थीटा बीच में कैसे आया, बिकॉज जो वैल्यूज मैं कैलकुलेट कर रहा हूं वो साइन थीटा को के साथ मैच कर रही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को, ठीक है यहां तक। अब मैंने एग्जांपल चेंज कर दिया, मैंने एक पेंडुलम लिया, ध्यान से देखना, मैंने एक पेंडुलम लिया, मैंने इस पेंडुलम को यहां से मूव करवाया, लेट्स से डिस्प्लेसमेंट जीरो, फिर इधर गया पेंडुलम 0.1 डिस्प्लेसमेंट, 0.2 डिस्प्लेसमेंट, 0.5 डिस्प्लेसमेंट, मान लो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी है 1, फिर पेंडुलम पहले गया फिर यहां पर वापस आया फिर यहां पर वापस गया और फिर यहां पर वापस आया, ठीक हो गया यहां तक। अब वही स्टूडेंट फिर बोलता है कि सर देखो वैल्यू तो वही आ रही है साइन थीटा वाली, तो वो कहता है कि सर वैल्यूज मत बताओ स्टूडेंट को, जाके बता दो इसकी जो वैल्यूज हैं डिस्प्लेसमेंट्स हैं दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय साइन थीटा, मैं मान गया साइन थीटा लिख लेंगे, पर अब मैं उससे ये पूछ रहा हूं तो बता फिर मैं इसमें पेंडुलम में एंगल क्या लूं थीटा, ये वाला एंगल, कई लोगों के माइंड में ये वाला एंगल आ रहा है ना, यही आ रहा है ना, तो ये नहीं है आंसर। और कोई आंसर क्वेश्चन को यही, हाँ बोलो, ये वाला एंगल नहीं, ये भी नहीं है, ठीक कोई बात नहीं, कोई बात सर्कल बना दूं, मींस इसके सेंटर पे जो एंगल बनेगा फिर तो यही एंगल हो गया ना, अगर सर्कल लूंगा तो, अगर मैं इसको सर्कल ले लेता हूं इमेजिन करता हूं तो आप तो यही आंसर बता रहे हो ना। अच्छा चलो छोड़ो, इसको भी दो मिनट और सस्पेंस, मैं सारे आंसर दूंगा। एक और क्वेश्चन पूछू, पहले एक और क्वेश्चन पूछू, सपोज करो एक स्प्रिंग है, ये लो एक स्प्रिंग है, अनस्ट्रेच्ड है, मैंने इसको छेड़ा नहीं, सपोज मैंने इसको पुश कर दिया, स्प्रिंग यहां पर गया, स्प्रिंग वापस यहां पर आया, फिर स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, और फिर मीन स्प्रिंग पहले यहां पर था, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, स्प्रिंग यहां पर आ गया इसको बोलते हैं एक्सट्रीम, और स्प्रिंग फिर कंप्रेस कर गया इसको भी क्या बोलते हैं, यानी कि पहले मीन से एक्सट्रीम से एक्सट्रीम से मीन, ठीक है ना। तो सपोज मेरा क्वेश्चन वही है, स्प्रिंग ने पहले डिस्प्लेसमेंट कवर की 0.1, ये 0 है, फिर 0.5, फिर 1, फिर करते करते -1, फिर 0, तो किसी ने कहा कि सर ये तो साइन थीटा को मैच कर रहा है, तो बताओ स्प्रिंग का एंगल कहां से नजर आ रहा है आपको, स्प्रिंग का क्या एंगल लूं, अगर मैं स्टूडेंट को ये बोल दूं सर ठीक है यार साइन थीटा की इक्वल डिस्प्लेसमेंट ले लो, तो एंगल क्या लूं, स्टूडेंट को कैसे समझ आएगा कि जब इसकी डिस्प्लेसमेंट 1 हो चुकी है तो एंगल कितने है, एंगल दिखाना भी तो पड़ेगा ना कॉपी में, ये एंगल है, यानी कि ये तीनों क्वेश्चन जो है वो एक जैसे लग रहे हैं सुनने में, और प्रॉब्लम एक ही है तीनों क्वेश्चन में, और वो है एंगल। मतलब कम से कम ये चीज समझ आ गई कि हम अपनी ये बड़ी सी कैलकुलेशन को रिड्यूस करने वाले हैं साइन थीटा में, लेकिन एक चीज के साथ कि मैं आपको एक चीज बता दूं और वो है थीटा क्या लेना है। देखिए थीटा क्या लेना है, आपको ऑलरेडी थीटा मालूम है क्या लेना है, और उसका आंसर वो दे चुका है ओमेगा टी, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं करना आया वो ओमेगा टी कैसे हुआ। और उसने एक और चीज बोली, इमेजिन कर लो आपने थोड़ा लाइटली ले लिया उसे, एक्चुअल मैं यही बोलने वाला हूं कि हमें एक
मोशन आती है, हमें एक मोशन आती है जो प्योरली पीरियोडिक मोशन है, जिसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बस हमें एक ही मोशन आती है, और ये सारी मोशन जो मैंने ली ये भी पीरियोडिक है। तो एक काम करते हैं, हम इन सारी मोशन को चलने दो, किसी को कोई सड़क पे चलता है चलने दो, पीरियोडिक में चलने दो, स्प्रिंग अगर मूव करता है उसको भी चलने दो, अगर कोई पेंडुलम मूव करता है पीरियोडिक में उसको भी मूव करने दो। हम दुनिया की सारी पीरियोडिक मोशन को कंपेयर करेंगे, इमेजिन करेंगे, कंपैरिजन वर्ड ज्यादा बेटर रहेगा, कंपेयर करेंगे उस मोशन के साथ जो हमें ऑलरेडी आती है। और हमें कौन सी मोशन आती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर। तो एक काम करते हैं, मैं एक सर्कल बनाता हूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कंपेयर करना है, मूव नहीं करना। स्प्रिंग अगर ऐसे मूव कर रहा है तो ये नहीं कि उसको सर्कल में इमेजिन करना है कि वो सर्कल में घूम रहा है, वो ऐसे ही मूव कर रहा है, आपने सिर्फ इमेजिन करना है। मैं आपको तीनों एग्जाम्पल करके दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा पहला एग्जाम्पल था कि अगर मैं यहां पर हूं सड़क पे और ये 1 है और ये -1। देखो कंपैरिजन कैसे करना है, अगर कोई यहां पर खड़ा हुआ है तो समझो सर्कुलर मोशन में वो यहां पर खड़ा हुआ है, कंपैरिजन है, ठीक, मतलब स्टैंड, सर्कुलर मोशन की स्टैंडर्ड पोजीशन ये ली जाती है स्टार्टिंग में, ले लिया यहां तक। फिर मान लो अगर कोई पार्टिकल यहां से यहां पर आ गया तो यानी कि वो अपने डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है 0, 0.1, 0.5, 0.7 एंड फाइनली 1। तो देखो मैं इंक्रीज करके दिखाऊं, ये 0 है, ये 0.2 हो गया, ये 0.3 हो गया, ये 0.5 हो गया, ये 0.7 हो गया, और फाइनली ये कितना हो गया, 1 हो गया। उसके बाद उस स्टूडेंट ने क्या किया, जब वो वापस आ रहा है 1 से कहां पर आ रहा है, 0, तो देखो मैं 1 से 0 आके दिखाऊं, मैं 1 पे था, फिर मैं 0.9 पे आ गया, 0.8 पे आ गया, 0.5 पे आ गया, 0.4 पे आ गया, 0.3, 0.2, 0.1 और फाइनली 0, मैं यहां पर आ गया। फिर उसके बाद मैं कहां चला गया, यहां चला गया, और अगर मैं उल्टी डायरेक्शन में चला गया तो -0.1, -0.2, -0.5, -0.7, -0.9 एंड फाइनली -1, यानी कि मैं यहां पर हूं और फिर मैं फाइनली यहां पर आ गया। और जब मैं यहां पर आया तो -1 से -9, -0.9, -0.7, -0.5, -0.4, -0.1 एंड फाइनली 0। देखो मैं अपनी जर्नी में वापस आ चुका हूं ना, यहां से घूम के यहां पर, और यहां पर भी मैं अपनी जर्नी में वापस आ चुका, ठीक है ना यहां तक। किसी को कोई डाउट है इसमें, कंपैरिजन समझ आ रहा है नहीं, मूव ऐसी कर रहा है कोई एक्स एक्सिस पे, पर अपने मन में जो आपने अज्यूम करना है उसको कंपेयर करना है विद सर्कुलर मोशन, कोई डाउट है इसमें? सीधे रास्ते से जाना चाहते हो ना तो आप फिर रीडिंग लेते रहोगे वन। अच्छा ओके, मैं आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन दिखाता हूं। मैं ऐसे मूव करता रहा जैसे मैं मूव कर रहा हूं वन और माइनस वन पीरियोडिक मोशन में। किसी ने पूछा, सर अगर आप ऐसे मूव करते रहे तो 2 साल के बाद आपकी पोजिशन, 2 साल, 2 ईयर्स, ठीक, और 42nd आवर में 42वां घंटा चल रहा है और 3 मिनट्स और 3 सेकंड में एग्जैक्टली बताओ कहां पर खड़े होंगे। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो फिर मुझे 2 साल के लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और आपको साथ बैठना पड़ेगा घड़ी लेके, तब आप मेरा आंसर दोगे। लेकिन विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग, आप विद इन सेकंड क्लास में आंसर दोगे। फर्क पता लग गया, प्लैनेट सारे सर्कुलर मोशन में है, पीरियोडिक मोशन है। अगर हम प्लैनेट्स पे ऐसा मैथ नहीं लगाएंगे ना, कैलकुलेशन कर लेते हैं 100 साल के बाद ये प्लैनेट इसके साथ टक्कर हो जाएगी इसकी, वो कैसे, ऐसे। बात समझ में आ रही है, तो पॉइंट यहां तक क्लियर है? बिकॉज जो पीरियोडिक मोशन है उसको हमें मालूम है कितनी देर के बाद ये इतना अपना पाथ कवर करेगा ही करेगा। बात समझ में, इसलिए मैथ्स के बिना अगर आप सोच रहे हो तो कोई शॉर्टकट नहीं, आपको ये साइन थीटा कॉस थीटा करने ही पड़ेंगे इसमें, ठीक है? यहां तक एनी डाउट, क्लियर है? नेक्स्ट, और जितने मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं प्लीज उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर उनको ये मैथ समझ नहीं आए, ना आए, मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चले काम, अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं मैथ स्ट्रगल कर रहा है, साइन कॉस समझ नहीं आता, तो क्लास के बाद प्लीज चाहे 5 मिनट चाहे 10 मिनट ये एक्स्ट्रा टाइम लेके एक लेक्चर लगाओ 15-20 मिनट का, मैं आपको पूरा मैथ्स ही बता दूंगा, उसमें आपको करना नहीं है। वैसे कोशिश करूंगा इसी में से हो जाए,
अगर ना समझ आए तो साथ साथ पूछ के जाना, ठीक? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो। अब सपोज करो सेम एग्जांपल है, ध्यान देखो, ध्यान आगे रखो। स्प्रिंग वाला एग्जांपल ले लें, एक स्प्रिंग था और स्प्रिंग पहले अनस्ट्रेच था, फिर स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच करके कहां पर ले आए थे, वन पे, फिर वापस कहां पर आया था, मीन पे, फिर वो क्या हुआ था, कंप्रेस यानी कि वापस माइनस वन पे, ऐसी था ना। तो देखो स्प्रिंग अगर पीरियोडिकली मूव कर रहा है, पीरियोडिकली का मतलब वन टू थ्री फोर, चार क्वाड्रेंट हो गए ना इसके, एक दो तीन चार। कंपेयर करो विद सर्कुलर मोशन, स्प्रिंग की पहले डिस्प्लेसमेंट जीरो है, 0.1, 0.2, 0.5, 0.71, इमेजिन करो डिस्प्लेसमेंट 0.1, 0.5 एंड अगेन 1। फिर स्प्रिंग अपने डिस्प्लेसमेंट कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं, माइनस वन तक जा रहे हैं, माइनस वन तक जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं। यहां तो क्लियर है? पेंडुलम ले लें, पेंडुलम मीन पोजीशन पे था, वन टू थ्री फोर, चार क्वाड्रेंट्स हो गए। सर्कल के भी कितने क्वाड्रेंट्स हैं, चार क्वाड्रेंट्स। पॉइंट सबको क्लियर है? मींस एग्जैक्टली कोई भी दुनिया की पीरियोडिक मोशन हो उसको सर्कल से कंपेयर हम कर सकते हैं। अब एंगल क्या होगा, देखिए एंगल तो आपको ऑलरेडी आता ही है, सर्कुलर मोशन का स्टैंडर्ड एंगल क्या था, स्टैंडर्ड एंगल ओमेगा टी होते हैं, तो फिर बता देते हैं। फिर देखो, देखो आगे देखना प्लीज। सपोज सपोज यहां से देखो, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, ये बहुत छोटी छोटी बारीक चीजें हैं, अगर आपको आज का लेक्चर और अगला लेक्चर समझ आ गया ना तो आपने आराम से बैठना है यहाँ पे। SHM इतना स्मूथली निकलेगा आपका जितना शायद और कोई चैप्टर नहीं निकला अगर ये चीजें समझ आ गई तो। देखो नेक्स्ट जो मैं एंगल का आंसर देने वाला हूं, अब क्योंकि हमने डिसाइड तो कर ही लिया कि हम कोई भी पीरियोडिक मोशन को कंपेयर करने वाले हैं विद सर्कुलर, अब मुझे एक चीज बताओ, जब कोई पार्टिकल यहां पर है तो उसका सेंटर पे एंगल कितना है, जीरो। जब पार्टिकल यहां पर है तो सेंटर पे एंगल कितना है, 90। जब पार्टिकल यहां आ गया तो 180, यहां आ गया तो 270 और यहां तो 360। ये भी क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? आगे नेक्स्ट जो आपने करना है इसमें, उसके अंदर एंगल की बात हो रही थी, सपोज करो आपका पार्टिकल कहीं यहां पर है, सेंटर में नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये सेंटर है, हम लेते ही नहीं सेंटर, चलो सपोज आपका पार्टिकल यहां पर है, ठीक? तो बताओ इसका कितना एंगल होगा यहां पे, ये मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक? अब मैं कैसे बताऊं ये आंसर, क्योंकि जब तक मुझे ये नहीं मालूम कि पार्टिकल कितनी तेज घूम रहा है, कोई तेज घूम रहा है, कोई बहुत स्लो घूम रहा है, तो ऑब्वियसली ये एंगल हर का जो अचीव होगा वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में होगा। मान लो मुझे ये बताना है कि स्मॉल टी टाइम के, बताओ स्मॉल टी टाइम पे इस पार्टिकल ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया, आप हो गए मेरे को क्या पता कितना, कोई 2 सेकंड में तेज घूम रहा है तो सिर्फ बिल्कुल टॉप पे पहुंच गया, कोई 2 सेकंड में पूरा चक्कर ही कंप्लीट कर गया, 360 कर गया, कोई 2 सेकंड में सिर्फ यहां से यहां तक मूव किया है, यानी कि डिपेंड्स अपॉन टाइम पीरियड, इट डिपेंड्स अपॉन स्पीड ओमेगा, घूमने की स्पीड एंड टाइम पीरियड, ऑब्वियसली ओमेगा इज 2 पाई बाय कैपिटल टी, एक ही बात है। तो ये एंगल कैसे निकलेगा ध्यान से देखना, मुझे एक चीज का आंसर देना। देखो अगर सपोज करो एक पार्टिकल पूरा चक्कर कैपिटल टी टाइम में पूरा करता है, अगर टाइम कैपिटल टी है तो बताओ एंगल सेंटर पे कितने हैं, 2 पाई कर सकते हैं, 360। यहां तो क्लियर है ना, कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सर्कुलर मोशन, ठीक? और अगर 1 सेकंड है तो 2 पाई बाय, और अगर स्मॉल टी सेकंड पे एंगल देखना है तो 2 पाई बाय, ये ठीक है? और हमने सर्कुलर मोशन में किया हुआ है, 2 पाई बाय टी को क्या लिख सकते हैं, तो यानी कि स्टैंडर्ड एंगल क्या बन गया, ठीक हो गया यहां तक? तो एक चीज समझ आ गई कि ओमेगा टी से यू कैन कैलकुलेट द एंगल एट एनी इंस्टेंट ऑफ। Any doubt? For example, time t is equal to 0 second, hello.
टाइम टी इज इक्वल टू जीरो सेकंड पे एंगल कितना आएगा, ओमेगा टी इज जीरो। एक काम करो, एक पूरा चक्कर, ये पूरा चक्कर कैपिटल टी टाइम में कटता है, तो एक काम करो ओमेगा टी में ना स्मॉल टी को कैपिटल टी पुट करना। ओमेगा का मतलब क्या होता है, कितना आ गया, ठीक है ना। अच्छा आधा चक्कर कितनी देर में कटेगा, तो ओमेगा टी से एंगल निकाल लें, ओमेगा टी से, ओमेगा का मतलब 2 पाई बाय इनटू कैपिटल टी बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया पाई। इट मींस बिल्कुल सही आंसर निकाला मैंने, स्टैंडर्ड एंगल क्या रहेगा यहां पर, ओमेगा। याद तक क्लियर है। अब स्प्रिंग का एंगल दिखाऊं आपको, स्प्रिंग का एंगल कौन सा हुआ, इमेजिनेशन में सब कुछ, एंगल उंगल कुछ नहीं है। देखो कैसे इमेजिन करेंगे हम, अगर सपोज एक स्प्रिंग का ही केस लेते हैं, स्प्रिंग पहले ओरिजिनल लेंथ पे था, स्प्रिंग को मैंने एक्सट्रीम पे ले आया, फिर स्प्रिंग मीन पे जाएगा, फिर स्प्रिंग एक्सट्रीम पे जाएगा, कंपेयर विद सर्कुलर मोशन कर दिया, ठीक है ना। याद सोचो जब मैं बोलूंगा कि स्प्रिंग मीन पे है तो आप क्या बोलोगे, एंगल कितना है जीरो। जब मैं बोलूंगा स्प्रिंग एक्सट्रीम पे आ गया, एक्सट्रीम मीन स्प्रिंग कहां पर आ गया, मीन सर्कल में यहां पर आ गया, तो एंगल कितना कवर हो गया 90, ठीक है ना। याद इमेजिन कर रहे हैं इसमें। फिर उसके बाद पार्टिकल घूम के कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, तो मीन स्प्रिंग यहां पर आ गया, तो एंगल कितना हो गया शुरू से लेके यहां तक 180। फिर स्प्रिंग कहां पर आ गया, नहीं आई एम सॉरी मैं यहां पे नहीं, वापस लेता हूं। अगर स्प्रिंग मीन पे है शुरू हो रहा है तो यहां पर है, स्प्रिंग यहां पर गया यहां पर है, स्प्रिंग वापस यहां पर आया यहां पर है, स्प्रिंग यहां पर गया यहां पर है, और स्प्रिंग यहां पर आया तो यहां पर है, ठीक है ना। यानी कि स्प्रिंग जब मीन पे है तो एंगल कितना है जीरो, स्प्रिंग एक्सट्रीम पे है तो एंगल कितना है पाई बाय टू, स्प्रिंग वापस मीन पे आ गया तो पाई बाय टू जाने का, पाई बाय टू आने का यानी कि पाई, फिर स्प्रिंग यहां पर आ गया तो यहां तो पाई कवर कर ही चुका है, प्लस पाई बाय टू थ्री, पाई बाय टू थ्री पाई बाय टू 270 डिग्री होता है, यानी कि यहां पर आ गया, और फिर स्प्रिंग वापस आ गया पाई बाय टू और एड कर दो तो कितना हो गया टोटल 2 पाई, ठीक। यहां तक एंगल दिखने शुरू हो गए सबको, ये एंगल हम कौन से एंगल ले रहे हैं, यहां तक क्लियर है। नहीं बना नहीं सकता, दिखा नहीं सकता, स्प्रिंग में कोई आपको बुक एंगल बना के नहीं दिखाएगी, यूज करेगी न्यूमेरिकल में कि ये एंगल बन गया इसका। और दूसरी चीज, एंगल एंगल बोलना बंद करो, क्योंकि मैथ्स की क्लास नहीं है ये, फिजिक्स की क्लास है। नहीं, इसका नाम चेंज करो पहले, इसका नाम रखेंगे फेस, फिजिक्स वालों ने अपना नाम रख दिया फेस, तो आज के बाद हम इसको क्या बोलेंगे, फेस। बात समझ में आ रही है, मैथ्स में बोलना एंगल और फिजिक्स में आपने इसको फेस बोलना है, ठीक है। यहां तक तो अगर मैं बोलता हूं कि जो स्प्रिंग अगर मीन पोजीशन पे है तो वो जीरो फेज में है, अगर स्प्रिंग एक्सट्रीम पे आ गया तो उसका फेज चेंज हो गया बाय पाई बाय टू, स्प्रिंग वापस मीन पे आ गया तो फेज चेंज हो गया बाय पाई, इधर चला गया टू पाई बाय थ्री पाई बाय टू और वापस आ गया तो फेज कितना चेंज हो गया टू पाई। जिनको एसएचएम समझ नहीं आता और जिनको ये जो अगर मैं डेफिनेशन से शुरू कर दूंगा ना एसएचएम, आप घर जाके अपने बुक्स पढ़ लेना, आपको एक भी अक्षर समझ आया मेरे को कह देना, कुछ भी नहीं आएगा वो बुक्स कहीं, क्योंकि बुक्स ये चीजों को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मैथ तो सिखाएंगे नहीं और ना ही इन एग्जांपल को यूज करेंगे, बुक सीधा बस पीरियोडिक मोशन ये होती है और ये इसका फॉर्मूला है। और जो लोगों को एसएचएम समझ नहीं आता ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप पूछना अपने स्कूल में या जहां लोग पढ़ते हैं जिनको एसएचएम नहीं आता, उसको ये पूछना तो मुझे ये बता दे सिर्फ फेज क्या होता है, अगर वो बता दे तो मेरे को आप कह दे। लोगों को फेज नहीं समझ आता पूरा एक एक साल कि फेज होता है क्या एग्जैक्टली, तो फेज अगर वो पढ़ने की कोशिश भी करेगा उसको मिलेगा कहाँ, बुक तो लिखती नहीं कि वी विल कंपेयर विद सर्कुलर मोशन, ये तो सिर्फ एक स्टाइल है पढ़ाने का। तो ये कंपैरिजन जो है किया जा रहा है विद सर्कुलर मोशन, बात समझ में आ रही है। तो बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनना है पूरे चैप्टर को, और खासकर जब तक मैं अपने असाइनमेंट पे नहीं आ रहा तब तक तो बहुत ही ध्यान से, क्योंकि मोर देन 50% ऑफ चैप्टर में बातों बातों में ऐसे क्लियर कर दूंगा। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट अब चलो फेज का तो एंगल का तो समझ आ रहा है, वापस आ जाते हैं अपनी उसी इक्वेशन पे जो हम मैं चल रहा था और वो सारी कहानी फिर से ले आते हैं। अब चलो फिर से क्वेश्चन पूछते हैं कि चलो अगर हम जीरो पे हैं, हम वन पे आ गए, हम माइनस वन पे आ गए और हम वापस जीरो पे आ गए, एक चक्कर पूरा हो गया,
और अगर मैं कहूं कि जब मैं यहां से यहां गया तो मेरा फेज चेंज हो गया भाई पाई बाई टू, टोटल पाई बाई टू। ठीक, तो अब अगर कोई वो मैथ्स वाला स्टूडेंट मेरे को ये बोलता है कि सर देखो आप साइन थीटा के फॉर्म में क्यों नहीं बच्चों को बताते, अब मैं बता सकता हूँ कि चलो ऐसा करो, आप ऐसे मत बोलो 0.1, 0.51, 0.50, -0.5, -1, -0.51, मेरे को नहीं समझ आ रहा। आप बस सीधा सीधा बोलो कि कोई मैन चल रहा है, कोई पर्सन चल रहा है और वो किस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, साइन थीटा। अगर कोई पूछे कि ये थीटा क्या चीज है, आपने बोल देना थीटा, थीटा तो मैथ्स का एंगल होता है, हम तो फेज लेंगे और कंपेयर कर लेना विद सर्कुलर मोशन, इसकी फेज की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा। क्लियर है यहां तक? तो यानी कि कोई भी जो डिस्प्लेसमेंट वाई या एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो क्या हो रही है, साइन ओमेगा टी अकॉर्डिंगली हो रही है। और ओमेगा टी आपको यहां नहीं दिखेगा, आपको अपने मन में रफ कॉपी पे बनाना पड़ेगा सर्कल में एंगल, और जो डिस्प्लेसमेंट चाहिए स्मॉल टी की वैल्यू पुट करो, उसके अकॉर्डिंगली डिस्प्लेसमेंट कैन बी कैलकुलेटेड। और मेरा आंसर भी आ गया, अगर मैं 2 सेकंड में अपना पूरा चक्कर कंप्लीट करूंगा तो 2 साल के बाद मैं कहां पर हूंगा, पुट स्मॉल टी इज इक्वल टू 2 ईयर्स, आपको लग जाएगा मैं कहां पर हूं। इस ऐसा तरीका तो नहीं हो सकता, एक लाइन में आ गया आंसर। याद तक क्लियर है, कोई डाउट किसी को इसमें? अब एक और स्टूडेंट आया, उसी का साथी होगा मैथ्स का, वो कहता सर आप स्टूडेंट को ऐसे क्यों बताते हो वन और माइनस वन ही हमेशा? तो उसका एक रीजन मैंने बताया, जो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 हो सकती है, आप एंगल कितना भी बड़ा ले लो 1 से बड़ी नहीं हो सकती, और मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, -1 से क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक, अब मेरे को एक स्टूडेंट ये पूछता है कि 1 नहीं, मान लो उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 5 ले लो, 1 ही क्यों ले, 5 लो। तो इसका मतलब मैं उसको ऐसे समझाऊंगा कि फिर ठीक, मैंने अपनी डिस्प्लेसमेंट ऐसे कवर की 1, 2, फिर 2.5, 3 करते करते 5, फिर 5 से 0 और फिर वापस -2.5 और फिर -5 से 0। मींस मैंने सारी वैल्यूज को स्केल अप कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया बाय 5, जहां जहां 1 था वहां वहां मल्टीप्लाई करके मैंने क्या कर दिया, 1 × 5 = 5। तो एक काम करते हैं, यहां पर भी क्या कर देते हैं, देखो ना साइन ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू जैसे 0.5 है, 5 × 0.5 क्या आएगी, 2.5, हम पहुंच गए ना मिड पॉइंट में। अगर ये 5 नहीं होता 1 होता तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू मिड पॉइंट में क्या होती, 0.5, 1 का आधा। लेकिन अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 5 है यानी कि मिड पॉइंट भी होगा 2.5। तो कहने का मतलब कि हर वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर देना है विद 5। एनी डाउट? ये भी क्लियर है, कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक, नेक्स्ट एक और चीज सुन लो, अगर मैं इक्वेशन को ऐसे लिखूं, यानी कि अब मेरे को कोई जो है टेंशन नहीं है कि मैं 5 लूं 7 लूं, जो मैं नंबर यहां लूंगा मैक्सिमम वो नंबर यहां भी आ जाएगा। ठीक, मैं जब ऐसे चलना शुरू किया मैंने 0, 1, 2, तो मैं क्या कवर कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मेरी कितनी हुई, 5, इधर भी 5 और उधर भी मैग्नीट्यूड में 5, 5 इज दी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट है, हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट 1 है, डिस्प्लेसमेंट 2 है, डिस्प्लेसमेंट 3 है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 5 है। तो आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वर्ड नहीं यूज करोगे आज के बाद, इंस्टेड ऑफ यूजिंग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आप वर्ड यूज करोगे एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड का दूसरा नाम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। याद है, क्लियर है, कोई डाउट किसी को इसमें? तो एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और दूसरी चीज जो भी नंबर साइन के आगे लगा होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इन शॉर्ट एम्पलीट्यूड। याद है, क्लियर है? इट मींस कि अगर कोई इक्वेशन लिखी जाए वाई इज 7 sin ωt, 7 sin of some angle ωt, 7 stand for amplitude, यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कवर हो सकती है वो कितनी है, 7 है। यहां तो कोई डाउट? समझ आ रहा है? ओके, इसके बाद एम्पलीट्यूड के बाद अब सर्कुलर मोशन पे आती है। ठीक, सर्कुलर मोशन में हमने क्या किया, सपोज अब हमने डिसाइड किया है कि हम जब मूव करेंगे पीरियोडिक मोशन में, वी विल कंपेयर दिस मोशन विद सर्कुलर मोशन। तो लेट से अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल, देखो
मैं चल रहा हूं अलोंग एक्स एक्सिस, मान लो मैं एक एक्सिस के अलोंग चल रहा हूं, सपोज करो कि मैं कंपेयर कर रहा हूं किसी भी पीरियोडिक मोशन को किससे, सर्कुलर मोशन से। मान लो कोई पार्टिकल किसी इंस्टेंट पर यहां पे था, तो उसका स्टैंडर्ड एंगल कितना होगा, ठीक है यहां तक, जब इसका ओमेगा टी एंगल है, और मान लो ये जरूरी थोड़ी ना कि वन डिस्प्लेसमेंट ही होगी, मतलब कहने का मतलब ये रेडियस है ना वैसे सर्कल का, अगर मैं अपने मोशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं जीरो से लेके फाइव से लेके माइनस फाइव से लेके जीरो, तो यानी कि ये भी कितना होगा, फाइव ही तो होगा, और ये भी कितना होगा, फाइव, तभी तो जस्टिफाई कर पाऊंगा 0.01234 एंड मैक्सिमम 5 के बाद वापस 0 के बाद माइनस 5 के बाद 0, मतलब जो भी एम्पलीट्यूड होगा सर्कल का वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ये भी क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अब सपोज करो मैंने कोई भी डिस्प्लेसमेंट मान ली, मैंने ये मान लिया कि मैं ए रेडियस में घूमूंगा, रोटेट कर रहा हूं इसी पार्टिकल को ए रेडियस, ए ले लो आर ले लो, ए इसलिए लिया बिकॉज हम अब रेडियस नहीं के फॉर्म में बात नहीं करने वाले, हम एम्पलीट्यूड वर्ड यूज करेंगे, क्लियर है ठीक। अब देखो सपोज अगर ये ए है तो ये डिस्टेंस भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कि अगर पार्टिकल यहां पर है तो उसने दो दो डिस्प्लेसमेंट्स कवर कर लिए, एक ये और एक ये, इसके दो कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं ना, एक अलोंग एक्स एक्सिस एक अलोंग वाई। मान लो ये x है और मान लो ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ये पॉइंट क्लियर है, एक y है और एक x। इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन ऑफ ओमेगा t इज y डिवाइडेड बाय a या y इज a साइन ओमेगा t। उसी तरीके से इसी ट्राइंगल में cos ऑफ ओमेगा t इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय a या x इज इक्वल टू a cos ऑफ, ठीक है यहां तक। इसका मतलब क्या हुआ कि हम तो चल रहे थे ग्राउंड पे ऐसे ही, और हमने ये सीखा कि सर्कुलर मोशन के साथ डिस्प्लेसमेंट कंपेयर कर लेंगे, पर कौन सी, वाई वाली की एक्स वाली, कर तो कोई भी सकते हैं पर नॉर्मली हम वाई वाली प्रेफर करेंगे, क्योंकि मैं अगर मीन से स्टार्ट हुआ हूं जीरो से, तो मैंने बताया था ना एक डायग्राम बनाया था अभी कि अगर कोई मान लो मीन से स्टार्ट होता है, इसको मीन बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम बोलते हैं, तो अगर मीन से एक्सट्रीम पे जा रहे हैं तो मीन का मतलब ये पॉइंट, एक्सट्रीम का मतलब ऊपर जाने का पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी ली जाती है, इन वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो हम डिस्प्लेसमेंट कौन सी प्रेफर करते हैं, वाई के लॉन्ग। पर ये अगर मैं एक्स के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट लूंगा तो नहीं, वो गलत नहीं होगी, हम एक्स के लॉन्ग भी ले सकते हैं, हम वाई के लॉन्ग भी ले सकते हैं, यानी कि इन शॉर्ट दो दो डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन में, तो एटलीस्ट दो दो डिस्प्लेसमेंट कवर हो। यहां तो क्लियर है, कोई डाउट किसी को इसमें, ठीक है। तो यहां पर x और y दो डिस्प्लेसमेंट्स आ गए, आप कोई भी ले सकते हो, ये भी डिसाइड हो गया। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम का लेक्चर एकदम फिर और बहुत ज्यादा खुल जाएगा, अभी रहने देते हैं, क्योंकि अब हम वेलोसिटीज निकालेंगे, फिर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर हम फोर्स निकालेंगे, फिर जाके बात बनेगी और पता लगेगा कि व्हाट इज एसएचएम। बात समझ में आई, कहने को तो आपकी जो बुक्स हैं वो तो एसएचएम से ही स्टार्ट करती हैं। मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं हर किताब के, और मेरे को पता है कि अगर आप ऐसे करोगे ना, आपका कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप करके देखना, वो तो